आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो। नमस्कार, तेज हरियाणा के बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक गुड न्यूज हरियाणा के तमाम स्कूलों के लिए ये है कि अब हरियाणा सरकार के आदेशों के मुताबिक कल से स्कूलों के कार्यालय खुलने शुरू हो जाएंगे कुछ शर्तों के साथ। जी हाँ, हरियाणा के तमाम उन प्राइवेट स्कूलों के लिए और तमाम उन सरकारी स्कूलों के लिए ये एक आदेश जारी किए गए हैं, जो कि अब स्कूलों में अति आवश्यक कार्यों के लिए, जो नए सेशन की शुरुआत विधिवत रूप से करने के लिए जो अति आवश्यक जो प्रशासनिक कार्य होंगे उनको चलाने के लिए ये ढील है वो दी गई है। लेकिन स्कूलों को साथ में ये भी हिदायत दी गई है, स्कूल खोलने के वक्त कुछ नियम ये तय किए गए हैं कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना होगा। साथ ही एक प्रिंसिपल, एक ड्राइवर, एक माली आ सकता है, कंप्यूटर टीचर्स, एक क्लर्क और एक जो पीएन चतुर्थ श्रेणी का जो कर्मचारी स्कूल में जो भी होगा उसको आने की परमिशन स्कूल के अंदर होगी। राहत की बात यह है कि अब सबसे बड़ी अड़चन प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर थी। कहीं ना कहीं ये भी अब जो एक अच्छा दाम चलेगा सरकार की तरफ से, ये ठीक रहा फैसला, क्योंकि खुश नज़र आ रहे हैं इससे प्राइवेट स्कूल कि इस बहाने उनकी अब फीस आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कई सारी मजबूरियां तो सरकार की भी थी, क्योंकि सरकार को 31 मई से पहले पहले कई सारे डेटा होते हैं जो स्कूलों से लेने होते हैं, जिसमें चाहे आप MIS पोर्टल की बात करें, चाहे CBSE पैटर्न में जिस तरीके के सब्जेक्ट एक सिलेक्शन का विषय होता है, किस तरीके से कौन कौन से विषय सिलेक्ट किए जाएंगे, और CBSE ने भी इसमें कोई ढील नहीं दी है। एक स्कूल को 6 से लेकर 9 तक के सब्जेक्ट CBSE के जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं उनको सिलेक्ट करना होता है। 3 सब्जेक्ट्स के बदले में CBSE के 180 स्किल बेस्ड कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें पर जो सब्जेक्ट है उसकी करीब 5,000 रुपये फीस है वो स्कूल को जमा करवानी होती है। इसके अलावा जिसमें साइंस होती है, SS होती है, मैथ, इन 3 सब्जेक्ट के सामने 180 तरह के स्किल बेस्ड कार्यक्रम होते हैं जिनको स्कूल को तय करना होता है कि उनके स्कूल में फैकल्टी के अनुसार वहाँ पर किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का बच्चा है वहाँ पर, उस तरीके से उनको तय करना होता है। साथ ही इसी MIS पोर्टल के ऊपर 31 मई से पहले स्कूल को सब चीज़ें डिक्लेयर करनी होती है कि स्कूल का रिजल्ट किस तरीके का रहा, कितने बच्चे पास हुए, कितने इस बार एडमिशन और आ रहे हैं। साथ ही ये भी दिखाना होता है कि अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ रहा है उसका क्या कारण था, स्कूल से नेम कटा, उसकी पूरी अपडेट है वो स्कूल को देनी होती है। ये ऐसे काम थे जो एक बहुत बड़ी मजबूरी थी स्कूलों के लिए करना। लेकिन अब इस लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से तमाम स्कूलों के प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने का निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है, इसमें बहुत ही अहम है कि अब स्कूलों का भी रुका हुआ कार्य चलेगा, कुछ हद तक स्कूलों की व्यवस्था पटरी पर लौटने के आसार है। और साथ ही उम्मीद ये भी जताई जा रही है, संभावना ऐसी की जा रही है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए शायद सूत्र कह रहे हैं, बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों के मार्फत कह रहे हैं हम कि 1 जून से स्कूल खुलने के आसार हरियाणा में भी नज़र आने लगे हैं, चाहे वो 6ठी से 12वीं तक खुलें या फिर 9th से 12th तक की क्लासेज ही लगे। और वहाँ पर ये भी हो सकता है कि वहाँ पर 33% ही स्टाफ के साथ स्कूलों को शुरू किया जाए। बहुत सारे नियम होंगे, सैनिटाइज करना, स्कूल में मास्क पहनना, स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग, स्कूल की रोज़ाना सैनिटाइजेशन करना, ये तमाम बातें हैं वो स्कूलों को निभानी होगी। लेकिन स्कूलों को एक चीज़ तो और सब चीज़ों को सीखने का वक्त सब पे लागू होगा कि हमें अब ज़िंदगी में एक लाइन और एक सोशल डिस्टेंस, इन दो चीज़ों को अपनाना बहुत ज़रूरी होगा। लाइन इसलिए कि आपको लाइन में लगकर हर चीज़ की आदत अपनानी होगी जो कि स्कूल सिखा सकते हैं। सोशल डिस्टेंस आपको किस तरीके से कौन पार्ट पढ़ा सकता है, सबसे अच्छा आपका बच्चा और आपका स्कूल ही आपको इस बात के लिए अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकता है। अगली बात थी जो स्कूलों के लिए राहत देने वाली है, वो ये कि अब स्कूलों के कार्यालय खुलने से फीस आनी शुरू हो जाएगी, स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नाम काटना है, कौन से स्टूडेंट्स को TLC देनी है, उसको स्कूल छोड़ना है, लिविंग सर्टिफिकेट उसके लिए, स्कूल में किस किस विषय के चुनाव होंगे, ये तमाम चीज़ें सब्जेक्ट सिलेक्शन में आ जाएंगी, MIS पोर्टल की सिस्टम आ जाएगा, CBSE स्किल बेस्ड जो
रजिस्ट्रेशन के जो कार्य हैं वो सारे कार्य शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर स्कूलों में एक रात की बात है, कल से पूरे हरियाणा के तमाम स्कूल खुलेंगे, लेकिन बात गौर से सुने, स्कूल खुलेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक कार्यों के लिए, यानी कि स्कूल का कार्यालय खुलेगा, स्कूल नहीं चलेगा, क्लासेस नहीं शुरू होगी, वहाँ पर टीचर नहीं आ सकते। स्कूल की इस गाइडलाइन में तय किया गया है कि वहाँ पर कौन कौन आ सकता है, क्योंकि रेवेन्यू एफ डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी तरफ से जो SES विजय वर्धन जी के आदेश जारी हुए हैं कि अब निजी स्कूलों के जो प्रशासनिक कार्य खोलने की जो छूट है उसमें कौन कौन आ सकता है। उसमें आ सकता है प्रशासनिक कार्य के लिए प्रिंसिपल, एक क्लर्क, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक माली को आने की ही छूट रहेगी। एक स्कूल में ड्राइवर भी आ सकता है, लेकिन इनमें से 65 साल की उम्र का कर्मचारी और गर्भवती कर्मचारी ऑफिस में नहीं आएंगे। ये एक स्कूलों के लिए नोट करने की बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल अब इस एवज में पूरे स्टाफ को स्कूल में कॉल करे, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ यही 5 से 6 लोग हैं स्कूल में आने की अनुमति दी गई है। तो कुल मिलाकर स्कूलों के लिए अब अच्छी रात की खबर है तमाम स्कूलों के लिए, वहाँ पर व्यवस्था पटरी पर लौटेगी। बहरहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपने YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। Facebook पर है, पेज को फॉलो करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।